ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के उसमें बुलाई गई थी जो उनके साथ कल हुआ वहाँ उनके घर पे हरियाणा के खप्पो के कुछ चौधरी गए हुए थे उनसे मिलने के लिए, कुछ किसान उनके प्रधान भी थे। तो उनका घर, उनके अनुसार उनका घर छोटा पड़ गया था, तो उनके घर के सामने एक पार्क था सोसाइटी में, उस पार्क में उनको बैठाने की व्यवस्था कर दी, चाय पानी का प्रोग्राम कर दिया। अभी बाहर से लोग आए थे हाथ से वो खा पी लेंगे यहाँ, तो किसी ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस आई क्या नहीं भाई आप ये प्रोग्राम परमिशन नहीं है। बोले मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं चाय पानी कर रहा हूँ, इतने आदमी हैं मेरे घर में नहीं आ सकते। तो पुलिस ने उसको थाने में लेके उनको सबको खापों को प्रधानों को और उनको भी 3 घंटे बिठा के रखा। तो उनसे ही पूछने गई थी जो ये सीबीआई का नोटिस आया हुआ इसके बारे में बातचीत करने के लिए एकदम क्या आदेश, तो वो उसमें लेके, तो उसका जनता में आक्रोश हो गया भाई ये किसानों के जो उठाते हैं तो गलत हुआ उनके साथ। हो सकता है कि हमारी वो है भाई कदे इनको दबाने का प्रयास करें, भाई देखें इनको पकड़ के देखें लोगों में क्या होगा नहीं होगा गुस्सा है या नहीं। तो हमने उसके समर्थन में 7 गांवों की पंचायत बुलाई थी, ये जो पंचायत हुई थी स्वरूप जी की अध्यक्षता में हुई थी, राजकुमार जी ने बुलाई थी और उनका समर्थन किया, सब उनके साथ हैं। कल एक कमेटी उनसे मिलने के लिए जाएगी, कमेटी वो आने का जवाब देगी भाई कब उनके साथ पास जाना है कब नहीं जाना। मेरे से पूर्व सरपंच साहब ने बताया कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हमेशा राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार से बहुत जुड़े रहे और लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या वो सीबीआई हो, लोगों को किसी प्रकार से दबाव में लेने का प्रयास ना हो, उसी अंदेशे में और उसी आशंका में लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए। आसपास के 7 गांवों के लोग यहाँ पर हुए और निर्णय लिया कि एक बार हम मलिक साहब से मिल कर के आते हैं, हमारी जहाँ भी जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी हम सब आदरणीय मलिक साहब जी के साथ। सीबीआई ने नोटिस जारी किया मलिक साहब को, इसको किस तरह लेते हो आप? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया ना कि वो आशंका और उसको उसी बात का अंदेशा है कि कहीं जो व्यक्ति बोल रहा है तो उसको बोलने से चुप करने का प्रयास तो नहीं है कहीं। रूटीन में तो कोई भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी मेरे से आपसे किसी से भी कोई भी तहकीकात कर सकती है, लेकिन इसको इस रूप में लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये किसी प्रकार से किसी को चुप करने का प्रयास तो नहीं है, तो इसी बात में उनसे मिलकर ही बात की जाएगी, फिर ज़्यादा स्पष्ट होगा और अगली कार्यवाही भी उनसे मिलने के बाद ही तय की जाए कि इस स्तर पे क्या करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।